दोस्तों, अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं और आपने भी अपने छतों पे प्लांट लगाए हुए हैं और दिसंबर के महीने में आप लोग देखते होंगे कि आपके प्लांट्स पे कुछ इस तरीके की समस्या, व्हाइट फ्लाई, मिली बग्स, एफिड्स, माइट्स का अटैक हो जाता है, जिसमें इस समय पे दोस्तों व्हाइट फ्लाइज और मिली बग्स का अटैक हमारे प्लांट्स पे ज़्यादा होता है। तो जो ये प्लांट आप मेरा देख रहे हैं और इस पर आपको मैं दिखा दूँ, इस पर जो है कि ये व्हाइट फ्लाइज के लार्वाज वगैरह हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में व्हाइट हो जाते हैं। इनका अटैक मेरे इस अनार के प्लांट पे हो चुका है और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें न्यू ग्रोथ को ये ख़राब कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं तरीका बताऊंगा कि आप लोगों के प्लांट में अगर इस तरीके की समस्या हो रही है, वाइट फ्लाइज वगैरह का अटैक हो चुका है, तो आप लोग अपने प्लांट को किस तरीके से आसानी से इसको बचा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। देख सकते हैं कि दोस्तों मेरे सारे ही प्लांट पर वाइट फ्लाइज का अटैक हो रखा है। ये देखिए, आप जहाँ तक देखेंगे उस पर अटैक हो रखा है। तो क्या ही वो तरीका होने वाला है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यही बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फटाफट और जल्दी से मिल जाए, ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो, क्योंकि मैं गार्डनिंग से रिलेटेड आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को पूरे प्लांट का ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या ही इसकी सिचुएशन है और किस तरीके का ये है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा अनार का प्लांट है और इस पर इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही थी, बट दिसंबर के महीने में क्या होता है कि हमारे प्लांट्स पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा मिल नहीं पाती है, सनलाइट मिलती नहीं है, इस वजह से हमारे प्लांट पर मिली बग्स, माइट्स, एफिड्स और इस टाइप के अनेक कीड़ों का अटैक होने लगता है, जो कि हमारी न्यू ग्रोथ को ख़राब करने लगते हैं और उसको ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की समस्या काफ़ी कॉमन है, लेकिन अगर इसका टाइम पे उपचार ना किया जाए तो ये हमारे प्लांट को बुरी तरीके से ख़राब कर सकता है और हमारा प्लांट देखते ही देखते मर जाएगा और हम इसको बचा नहीं पाएंगे। तो टाइम रहते ही इस पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके का करने वाला हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी पुरानी वीडियोज में कुछ दिखाया हुआ है। दोस्तों, इसको मैं इन सब कीड़ों को हटाने के लिए मैं दोस्तों संतरे की छिलके से बने हुए एंजाइम का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैं अपने घर पे ही बनाता हूँ। आप देखते हैं मेरी ये कितनी बॉटल थी और ये भी खाली हो चुकी है यूज़ कर करके। तो इस टाइप के एंजाइम का यूज़ हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज करने के लिए तो करते ही हैं, बट ये बहुत ही अच्छे कीटनाशक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ किस तरीके से यूज़ करना है। आप लोगों को आधे लीटर पानी में कम से कम 20 ml आप लोगों को संतरे के छिलके का एंजाइम ले लेना है और साथ ही आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके स्प्रेयर बॉटल में लेके आपको अपने प्लांट को अच्छी तरीके से पूरा वॉश कर देना है। दोस्तों, साइड पत्तियों के नीचे की तरफ जरूर वॉश करें, क्योंकि उसमें नीचे की तरफ ज़्यादा अटैक होता है, नीचे की तरफ ज़्यादा कीट छुपे होते हैं। तो उस चीज़ का काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए हम अपने प्लांट को पूरा वॉश कर देंगे। तो चलिए इसको मैं वॉश करता हूँ। दोस्तों मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा, इस वजह से आप लोगों को थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत आ रही होगी। आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है। चलिए हम इस पूरे प्लांट को वॉश कर देते हैं, इसका फिर मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में अपडेट शेयर करूंगा कि हमने ट्रीटमेंट किया था तो क्या ही इसमें समस्या आई थी और कितना रिजल्ट इसका हमें पॉजिटिव मिला। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें पूरा वॉश कर लेना है। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैंने अपना एक और न्यू चैनल बनाया हुआ है, जिसका नाम मैंने दोस्तों गार्डनिंग हॉबीज ब्लॉग्स के नाम से ही रखा हुआ है। अगर दोस्तों आप लोग मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के, आप वहाँ से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसमें आप लोगों को मेरी डेली रूटीन का भी पता चल जाएगा। तो चलिए इसको दोस्तों, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से शूट कर रहा हूँ, तो मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको पहले वॉश करके फिर आपसे आगे की बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको पूरा अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है और आप देख सकते हैं कि वॉश करते ही यहाँ पे इतने सारे ये थे और ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मात्रा में कम होने लगे हैं और आप देखते ही देखते देखेंगे कि इनकी जो संख्या है वो सारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, पत्तों के नीचे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से स्प्रे करना जरूरी है। ये देखिए, पत्तों के नीचे ये ज़्यादातर छुपे होते हैं और वहीं से अपने आपको ये बढ़ाते रहते हैं, पूरे प्लांट पे एक कवच सा बना लेते हैं जिससे हमारा प्लांट मर जाता है। तो दोस्तों, हमें पत्तों के नीचे जरूर वॉश करना है, इनको बहुत अच्छी तरीके से वॉश जरूर कीजिए। ये बहुत ही कारगर चीज़ बताइए मैंने आपको, संतरे के छिलके से बना हुआ एंजाइम
आप खाद के रूप में तो यूज करते हैं बट उसको कीटनाशक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको स्प्रे करने के बाद हम अपने प्लांट को कम से कम इसको 6 से 7 घंटे की सनलाइट मिलनी चाहिए, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी यार ठंड का समय चल रहा है तो अभी तक तो धूप निकली नहीं है, और अभी दिन के 11 बजने वाले हैं तो धूप का बिल्कुल ही अता पता नहीं है। तो आप लोगों को धूप में जरूर रखना है। इस टाइप से वॉश करने के बाद आप लोग देखेंगे कि 6 से 7 दिन के अंदर आप लोगों के प्लांट पे जो वाइट फ्लाई मिली बग्स का अटैक हो रखा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों विश्वास कीजिए, टेस्टेड एंड ट्रायल तरीका है। मैं अधिकतर अपने मिली बग्स को हटाने के लिए संतरे से बने हुए छिलके का एंजाइम का ही उपयोग करता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग भी बनाकर इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर हासिल की होगी। तो आज के लिए इतना ही।